खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। खबर आपको बताएं कि शिंदे गुट को शिवसेना नाम दिए जाने का आदेश, चुनाव चिन्ह धनुष बाण भी दिए जाने का आदेश, चुनाव आयोग का चुनाव चिन्ह नाम दिए जाने का आदेश, शिंदे गुट का नाम शिवसेना होगा। चुनाव आयोग ने ये कहा है, इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि नाम की ही लड़ाई थी। शिंदे गुट का चुनाव चिन्ह तीर कमान होगा, चुनाव आयोग ने ये कहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, शिंदे गुट को शिवसेना नाम दिए जाने का आदेश चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया है। चुनाव चिन्ह धनुष बाण भी दिए जाने का आदेश दिया गया है। चुनाव आयोग का चुनाव चिन्ह नाम दिए जाने का आदेश सामने आया है। शिंदे गुट का नाम शिवसेना होगा, ये बड़ी खबर इस वक्त की, क्योंकि नाम को लेकर ही लड़ाई थी, लेकिन चुनाव आयोग ने ये कहा है कि शिंदे गुट का नाम ही शिवसेना होगा। शिंदे गुट का चुनाव चिन्ह तीर कमान होगा। जो चुनाव चिन्ह जो था, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना का था, लेकिन जिस तरीके से विधायकों की बगावत देखने को मिली और उसके बाद एक नया धड़ा बना, शिंदे गुट सामने आया, सरकार बनी भाजपा के साथ शिंदे गुट की, लेकिन उसके बाद अब जो नाम को लेकर, जो चिन्ह को लेकर जो विवाद था, उसको लेकर ये बड़ी खबर है कि शिंदे गुट को शिवसेना नाम दिए जाने के आदेश चुनाव आयोग ने दिए हैं। चुनाव चिन्ह धनुष बाण भी दिए जाने का आदेश है। ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। चुनाव आयोग का चुनाव चिन्ह नाम लिए जाने का, दिए जाने का आदेश है। शिंदे गुट का नाम शिवसेना होगा, चुनाव आयोग ने ये कह दिया है। शिंदे गुट का चुनाव चिन्ह तीर कमान होगा। जो तीर कमान आपको याद होगा उद्धव ठाकरे की शिवसेना का था, लेकिन साफ कर दिया है चुनाव आयोग ने कि शिंदे गुट का नाम शिवसेना होगा। क्योंकि सवाल ये उठ रहे थे कि शिवसेना किसकी, क्या उद्धव ठाकरे की शिवसेना या फिर शिंदे की शिवसेना। शिंदे जो कि बालासाहेब ठाकरे को अपना गुरु मानते हैं, और उन्होंने जब दावा किया कि शिवसेना हमारी है, वो इस बेस पे किया गया क्योंकि मेजोरिटी हमारे पास है। ये शिंदे गुट की तरफ से किया गया, एकनाथ शिंदे की तरफ से कहा गया। संदीप शुक्ला महाराष्ट्र एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप जी, क्योंकि देखिए लड़ाई तो सिर्फ नाम की थी कि आखिर शिवसेना किसकी, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा गया है कि जो चुनाव चिन्ह है वो भी शिंदे गुट का, और साथ ही साथ शिवसेना भी शिंदे गुट की। बिल्कुल, क्योंकि यही लड़ाई जो है, यही बात जो है उनके वकील बार बार तर्क दे रहे थे, और शिंदे गुट भी बार बार जो है अपनी बातों को दोहरा रहा था कि उनके पास शक्ति बल है, उनके पास सबसे ज्यादा विधायक है, सांसदों की संख्या उनके पास अत्यधिक है, और इसीलिए उनकी पार्टी का नाम शिवसेना होना चाहिए और धनुष बाण भी उनका होना चाहिए। हालांकि इसको टेक्निकली उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से जो है कोर्ट में भी उन्होंने रखा था। पीछे एक अंधेरी में एक उपचुनाव होना था विधानसभा सीट का, उसको लेकर उन्होंने लड़ाई लड़ने की बात कही, और उसके बाद शिवसेना को मशाल चुनाव चिन्ह जो है चुनाव आयोग ने दिया उस सीट के लिए, जबकि शिवसेना को, शिंदे गुट की शिवसेना को उस समय ढाल तलवार दी गई थी। हालांकि शिंदे गुट की शिवसेना चुनाव नहीं लड़ी, और ऐसे में जो उद्धव गुट की शिवसेना थी उसे जो है वो मिल गया था, जो ढाल तलवार की बात जो कही गई थी वो उन्हें दे दी गई थी। लेकिन आज चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला दिया है, और चुनाव आयोग की तरफ से शिवसेना को माना गया है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना असली शिवसेना है, और उसके साथ साथ जो है कहीं ना कहीं जो धनुष बाण का चिन्ह है वो भी एकनाथ शिंदे का होगा। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे की एक बड़ी जीत मानी जा रही है। फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि ये एकनाथ शिंदे जिस तरह से सरकार बदले, महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके बाद आज जिस तरीके से चुनाव आयोग ने भी उनके पक्ष में फैसला दिया है, एकनाथ शिंदे के लिए एक बड़ी जीत है। संदीप शुक्ला जी, सवाल ये है कि सर, जो फैसला दिया गया उस फैसले में क्या कुछ कहा गया है, क्योंकि जो ठाकरे गुट है वो ये कह रहा था कि पूरी शिवसेना उनके साथ है अगर हम विधायकों को छोड़ दें, तो जो फैसला दिया गया उसके अंदर मूल क्या है। देखिए, विधायकों की संख्या लगभग 40 विधायकों से ज्यादा की संख्या एकनाथ शिंदे के साथ है, ऐसे में सांसदों की भी संख्या जो है जो बहुमत से अधिक संख्या जो है जो उद्धव ठाकरे के गुट के साथ है, उससे ज्यादा जो है गुट उनके साथ है। हालांकि कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश थी उद्धव गुट द्वारा कि विधान परिषद में जो उनकी संख्या है वो संख्या आज भी उनके साथ है, उसके बाद पार्टी कार्यकर्ता उनके साथ है। हमें याद होगा तो हमने कई बार जो है कोशिश की थी कि उद्धव गुट के द्वारा जो है एग्रीमेंट
एक एक साइन कराया गया था उनके कार्यकर्ताओं से, और उन्होंने एक एफिडेविट करके जो है कोर्ट को जानकारी दी थी कि कहीं ना कहीं वो जो है इस स्थिति में है कि कहीं ना कहीं उनकी स्थिति अच्छी है। लेकिन संदीप शुक्ला जी, मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ सर क्योंकि जो चिन्ह है वो पार्टी का चिन्ह है और पार्टी का मतलब संगठन होता है। संगठन सिर्फ विधायक और सांसद नहीं होते, जिला अध्यक्ष होते हैं, ब्लॉक अध्यक्ष होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, वहां की जो शिवसेना की कार्यकारिणी होगी वो होते हैं, वो सब मिलकर एक पार्टी बनते हैं। उस पर तो अभी भी ठाकरे का ही अधिकार है। संदीप शुक्ला जी, चलिए बाबा से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहली बार ये चिन्ह बदला है। हम आपको पूरा इतिहास बताते हैं। दरअसल 1985 की बात है जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हो रहा था और बाल ठाकरे की पार्टी शिवसेना के पास कोई चुनाव चिन्ह निश्चित नहीं था। ऐसे में पार्टी कैंडिडेट को मशाल चुनाव चिन्ह दिया गया था। दीपिका आपको याद होगा हाल ही में जो चुनाव भी हुए थे उसमें बाकायदा शिवसेना बीएमसी के दौरान जो शिंदे गुट के अगेंस्ट चुनाव लड़ी थी, मशाल के साथ लड़ी थी जी। लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका है। जो शिवसेना की पहचान हुआ करते थे अब वो ठाकरे से इतर शिंदे गुट की पहचान, और कमाल की बात यह कि शिवसेना नाम भी गया और तीर कमान भी गया जी। ठाकरे ग्रुप का गुट का जो अस्तित्व रहता था वो लगभग यहां खत्म होता हुआ। आपको बता दें कि 1989 में 4 सांसदों के लोकसभा पहुंचने के बाद पार्टी को मौजूदा धनुष बाण का चिन्ह मिला था 1989 में, और आज ये धनुष बाण दीपिका ठाकरे गुट से निकलता हुआ, उनके हाथों से निकलता हुआ, जबकि पार्टी को नाम बाल ठाकरे के पिता केशव सीताराम ठाकरे ने दिया था। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं दीपिका कि 1966 से अस्तित्व में आई शिवसेना ने जब 1968 में मुंबई नगर निगम का चुनाव लड़ा तो पार्टी का चिन्ह ढाल और तलवार थी। शायद इस वक्त ढाल और तलवार की शिवसेना को जरूरत होगी क्योंकि तीर तो कमान से निकल चुका है, शिवसेना का नाम भी निकल चुका है। 1980 के बाद पार्टी का रेल इंजन चिन्ह हुआ करता था और वह काफी चर्चाओं में भी रहा था। 1978 का चुनाव पार्टी ने रेल इंजन के निशान पर ही लड़ा था। खबर यह भी कि 1985 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना उम्मीदवार टॉर्च बैकबॉल जैसे चिन्ह के साथ भी मैदान में उतरे हैं। लेकिन जो नई जनरेशन है, जो आज की शिवसेना को जानती है, वो शिवसेना को तीर कमान के साथ ही जानती है। लेकिन ये तीर कमान अब ठाकरे गुट के पास नहीं है, ये शिंदे गुट के पास है दीपिका। बिल्कुल। और विजेंद्र, मुझे एक बात याद भी है उद्धव ठाकरे की, जब जिस समय ये पूरा घटनाक्रम हुआ था उद्धव ठाकरे ने कहा था कि चंद लोगों के जाने से शिवसेना कमजोर नहीं पड़ती है, संगठन कमजोर नहीं पड़ता है। तो यहाँ तो अब चुनाव चिन्ह भी शिंदे गुट का हो गया और नाम भी शिंदे गुट का हो गया, यानी कि जो संगठन पर पकड़ की बात उद्धव ठाकरे करते थे वो तो पूरी तरीके से अब कमजोर हो चुकी है। सवाल इसके बीच में यह भी है कि मातोश्री पर अब कौन जाएंगे, शिव सैनिक जाएंगे या ठाकरे समर्थक जाएंगे, क्योंकि शिव सैनिक अब शिवसेना के साथ होंगे और शिवसेना जो नाम है वो अब शिंदे गुट के साथ है। तो ठाकरे के मातोश्री में क्या अब सिर्फ समर्थक जाएंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सवाल यह भी कि इस फैसले के अगेंस्ट कहां तक ठाकरे ग्रुप पहुंचता है। हमारे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर पहुंच गई है। अदिति, ना सिर्फ पहले पार्टी से सरकार को छीन लिया गया शिंदे गुट ने, अब तो ठाकरे गुट से पहचान ही छीन ली गई। अदिति, आप मुझे सुन पा रही हैं? बिल्कुल विजेंद्र, ये शिंदे ग्रुप को जो मिला है धनुष बाण का चिन्ह, आप ये मान लीजिए कि आज के बाद जो उद्धव ठाकरे पूरा जो राजनीति है उसको एक बड़ा झटका मिला है, उद्धव ठाकरे गुट को एक बड़ा झटका मिला है। और जो पूरी राजनीति पिछले दिनों रही जिसमें भाजपा बहुत सेंटर पॉइंट रही तमाम चीजों में, इसमें आप देख सकते हैं कि आज के बाद महाराष्ट्र की राजनीति ने एक बड़ी करवट ली है। ये बात सही है कि महाराष्ट्र की राजनीति में तभी से जब से तमाम चीजें हुई और उसके बाद अब ये चिन्ह पर जब ये बातचीत शुरू हुई थी चुनाव चिन्ह को लेकर, अब शिंदे ग्रुप को देखिए वैसे ही पूरी राजनीति में जो शिवसेना थी वो दोफाड़ हो चुकी थी। और यहाँ तक कि जब हम अगर पुरानी बात करें तब भी ये देख अदिति वापस आपको जोड़ेंगे हम, क्योंकि यहां एक बड़ा बिखराव महाराष्ट्र के अंदर दिखाई दे रहा है और जो शिवसेना
एक वक्त में बाला साहेब ठाकरे के एक इशारे पर चला करती थी, वैसे वो दो हिस्सों में बढ़ चुकी है, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच में। पार्टी किसकी है किसकी नहीं है यह फैसला तो न्यायालय में होता है ना, न्याय देवता करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, वहां पे बात अभी चली रही है, आपने आनंद फानंद में अभी यह डिक्लेयर कर दिया कि एकनाथ शिंदे की पार्टी है और चुनाव चिन्ह तीरधनुष उनका है, इसका हम निषेध करते हैं। पूरे भारत में अब सभी को विश्वास हो गया है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से भाजपा के एजेंट के रूप में काम करती है और अब चुनाव आयोग पर किसी को विश्वास नहीं है, चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। तो अब सुन रहे थे, अब लगातार रिएक्शन इसको लेकर इसलिए भी आएंगी क्योंकि अब सवाल ये होगा कि जो उद्धव ठाकरे गुट है वो किस नाम के साथ आगे बढ़ेगा, क्योंकि आपको ध्यान होगा जब शिंदे गुट के साथ विधायक उद्धव ठाकरे के चले गए थे तो उद्धव ठाकरे ने कहा था कि असली शिवसेना उन्हीं के पीछे खड़ी है। दीपिका, उन्होंने कहा था कि असली शिवसेना हमारी है, शिंदे गुट के साथ जो चले गए वो शिवसैनिक नहीं है क्योंकि शिवसैनिक कभी धोखा देते नहीं। अब कमाल की बात यह है कि शिवसेना का नाम भी शिंदे गुट के साथ है और इसके साथ तीर कमान भी शिंदे गुट के पास है। अब सवाल यह भी खड़ा होगा कि मातोश्री जो जाएंगे क्या वो सिर्फ उद्धव ठाकरे के समर्थक होंगे? ये जो दहाड़ता हुआ शेर जो दिखाई देता था, ये जो शिवसेना का नाम था, ये जो तीर कमान था, ये सब शिंदे गुट के समर्थन में चला गया और बड़ा फैसला चुनाव चिन्ह तीर कमान ये सब शिंदे गुट का होने वाला है। दीपिका जी, बाला साहेब ठाकरे ने कभी नहीं सोचा होगा जब उन्होंने इसकी नींव रखी 1966 के अंदर, उन्होंने सोचा नहीं होगा कि जिसको वो बना रहे हैं, जिसके नाम को वो तराश रहे हैं, जिस तीर की धार को वो बढ़ा रहे हैं और जिस धनुष से चला रहे हैं और जिसके सरिये हिंदुत्व के कार्ड को इस तरीके से खेला जाएगा कि पूरे हिंदुस्तान में एक वक्त में सिर्फ शिव सैनिक ही नजर आएगा, आज उन्हें एहसास नहीं हो रहा होगा कि वो शिवसेना जिनको पारिवारिक दृष्टि से आगे बढ़ाते हुए उन्होंने उद्धव ठाकरे को सौंप दी थी। हालांकि उस दौर में जो शिवसेना चला करती थी बाला साहेब ठाकरे के बाद, जिनको वारिस मानती थी, वो राज ठाकरे थे, लेकिन आज शिवसेना भी शिंदे की, तीर कमान भी शिंदे का और पार्टी भी शिंदे की। बिल्कुल, और बड़ा झटका उद्धव ठाकरे को लगा है यहाँ पर और लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं क्योंकि शिंदे गुट को शिवसेना नाम दिए जाने का आदेश चुनाव आयोग ने दे दिया है। लगातार अपडेट और जानकारी आपको पहुंचा रहे हैं, इस खबर पर हम बने हुए हैं लेकिन